हंगरी नाम का एक देश है, 1933 में जब हंगरी में इकोनॉमी बहुत खराब हो चुकी थी और लोगों पे काफी अत्याचार हो रहे थे, तब हंगरी के एक पियानिस्ट और कंपोजर रेजो सेरिस ने गाना बनाया जिसका नाम था ग्लूमी संडे। इस गाने के लिरिक्स के टाइटल का मतलब है कि दुनिया खत्म हो रही है। इस गाने में अत्याचारों के बारे में बताया गया है और इतनी ड्रामेटिक और डरावनी बातें बताई गई है और इस गाने की धुन भी इतनी दुख भरी है कि इस गाने को सुन के लगभग 100 लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये गाना काफी लोगों ने सुना है लेकिन उनमें से लगभग 100 लोगों ने आत्महत्या की थी क्योंकि उनके जीवन में काफी परेशानियां थी और वो गाना इतना दुख भरा था कि वो लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए।